Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. So far we've discussed steel as a structural material, stress strain curve for mild steel and high strength steel, rolled steel, clauses on limit state design, actions or loads in IS 800-2007, partial safety factors, and steel manufacturing and hot rolling. So in this lecture we'll be discussing cold form steel. कोल्ड फॉर्म स्टील क्या है? ये भी एक टाइप है स्टील का जिसका जो फॉर्मेशन है उसमें स्टील की हीटिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, जो आप शेप में कन्वर्ट करते हैं जब स्टील को पर्टिकुलर शेप में, जैसे आई शेप, एल शेप, सी शेप, तो वो कब होता है? जब स्टील कोल्ड स्टेट में ही होता है. अब कोल्ड फॉर्म स्टील सेक्शंस आर मेड फ्रॉम लाइट गेज स्टील स्ट्रिप्स. तो आप स्टील स्ट्रिप्स से तो बना रहे हैं, पर वो कैसी स्टील स्ट्रिप्स हैं? लाइट गेज स्टील स्ट्रिप्स हैं. तो इनडायरेक्टली हमें क्या पता चल रहा है कि जो थिकनेस होती है वो 2 to 4 mm थिक है और मैक्सिमम अप टू 5 mm to 6 mm थिक जा सकता है. सो थिकनेस ऑफ कोल्ड फॉर्म स्टील इज वेरी लेस. दे आर कोल्ड फॉर्म टू शेप इन अ रोलिंग मिल और प्रेस ब्रेक. अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो शेप, चाहे वो सी है, चाहे एल है, चाहे आई है, वो सारी किस स्टेट में होगी? कोल्ड स्टेट में होगी और रोलिंग मिल या प्रेस ब्रेक में होगी. द स्ट्रक्चरल मेंबर्स ऑफ ग्रेटर लेंथ कोल्ड रोल्ड सेक्शंस आर यूज्ड. अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि इनकी लेंथ जो है वो हॉट रोल्ड स्टील से ज्यादा होती है. सो These are formed into the required shape by passing a metal strip between 6 to 15 progressive sets of forming spindles or rollers, each pair of which adds successively to the shape of the strip, the final pair producing the final section. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने hot roll steel में देखा था कि स्टील को हम दो मेटल सिलेंडर्स के बीच में से पास करते हैं. अगर ये स्टील है तो एक मेटल सिलेंडर यहाँ पे होगा, दूसरा मेटल सिलेंडर नीचे होगा, और वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट करेंगे और जो थिकनेस है उसको रिड्यूस करेंगे और इलोंगेट करेंगे आपके स्टील को. तो यहाँ पे भी सिमिलर मेथड अडॉप्ट किया जा रहा है. वो डिफरेंस क्या है, वहाँ पे सिर्फ एक पैर था, एक पेयर ऑफ रोलर्स थे, यहाँ पे 6 से 15 पेयर ऑफ रोलर्स होंगे जिनसे आपने एक एक करके अपने उस स्टील को पास करवाना है. हर रोलर जो है, जैसे जैसे आप उसको पास करवाते जाएंगे, हर रोलर क्या कर रहा है, उसको शेप दे रहा है. और फाइनल शेप कौन दे देगा आपको? लास्ट रोलर. जिस लास्ट रोलर से आप उसको पास करवाएंगे अपने स्टील को, वो उसको कौन सी शेप देता है? फाइनल शेप दे रहा है. So, 6 to 15 pairs of rollers जो है हम यूज करेंगे कोल्ड फॉर्म स्टील में. अब एज पर IS 800-1 कोल्ड फॉर्म स्टील सेक्शंस आर इन 4 ग्रेड्स. अब जब हम कोल्ड फॉर्म स्टील की बात करते हैं तो हम IS 800-1 की बात करते हैं, और ये कितने ग्रेड्स में अवेलेबल है? 4 ग्रेड्स में. यहाँ पे हमने चारों ग्रेड्स मेंशन करे हैं. अल्टीमेट स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, FU भी मेंशन किया गया है मेगा पास्कल्स में, और यील्ड स्ट्रेस FY भी मेंशन कर रखा है. तो सबसे पहले है ST 34, जिसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस 340 है और यील्ड स्ट्रेस 210 है. सिमिलरली ST 42, 420 एंड 240, ST 50, 500, 300, ST 52, 520, 360. आप देख सकते हैं ये जो ये नंबर है, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जा रहा है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस आ जा रहा है. सो इसको इनडायरेक्टली ये आपको क्या बता रहा है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बता रहा है इस पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए. तो आपको उसका यील्ड स्ट्रेस पता होना चाहिए. द लेंथ इज लिमिटेड ओनली बाय कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट. एनी शेप कैन बी रोल्ड. आप कोई भी शेप बना सकते हैं. और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कोल्ड फॉर्म स्टील है, इनकी लेंथ लंबी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बट हम उसको लिमिट कर देते हैं, उसको एक मैनेजेबल साइज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन उनकी इजी हो जाए.
हो जाए और कोई भी शेप सी एल आई किसी भी शेप में इसको हम बना सकते हैं. कोल्ड रोल सेक्शंस आर मोस्ट इफिशियंटली यूज्ड विद स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडरेट लोड्स एंड स्पैन्स. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये कोल्ड फॉर्म स्टील या कोल्ड रोल स्ट्रक्चर्स हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे मॉडरेट लोड है, ना ज्यादा लोड है ना स्पैन लेंथ बहुत ज्यादा है, वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं, कोल्ड रोल स्टील यूज कर सकते हैं. अगर लोड ज्यादा है तो हम हॉट रोल को प्रिफर करेंगे. दे कैन बी चीपर देन हॉट रोल, ये एक और एडवांटेज है कि इसकी ये कैसा है, इट इज चीपर देन हॉट रोल. इरेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इन सच केसेस इज ऑफन चीपर एंड इजियर बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट एंड रिजिडिटी. तो नेक्स्ट क्या है, लाइट वेट है और लेस रिजिड है. तो लाइट वेट क्यों है, क्योंकि थिकनेस इसकी कम है, थिकनेस कम है तो ऑब्वियसली इसका वेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो दे आर लाइट वेट स्ट्रक्चर्स और इसकी रिजिडिटी भी क्या होती है, स्लाइटली लेस होती है. इसलिए स्ट्रक्चर को जब हम बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, उसकी चीप हो जाएगी. कोल्ड रोल सेक्शंस आर यूज्ड इन इंडिया फॉर पर्लिंस, गर्ड्स, विंड ब्रेसिंग्स एंड रूफ ट्रसेस. कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं आप कोल्ड रोल स्टील, पर्लिंस में यूज कर सकते हैं, विंड ब्रेसिंग्स में यूज कर सकते हैं, गर्ड्स में यूज कर सकते हैं और रूफ ट्रसेस में यूज कर सकते हैं. द कोल्ड फॉर्म सेक्शंस कैन बी फॉर्म्ड टू पुश फिट into each other, thus avoiding the use of gusset plates. अब यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक्स जैसे हम यूज करते हैं, एक ब्लॉक को आप दूसरे ब्लॉक के साथ इंटरकनेक्शन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही कोल्ड फॉर्म स्टील्स को भी आप पुश फिट करके इंटरकनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे गसेट प्लेट की जो रिक्वायरमेंट है, गसेट प्लेट हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है. स्ट्रक्चरल considerations ऑफ कोल्ड फॉर्म स्टील आर, अब ये तो हमने देख ली कि कुछ कुछ advantages क्या है moderate load के लिए, span cheaper है, lightweight है, push fit arrangement हो सकता है, but क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप कोल्ड फॉर्म स्टील यूज कर रहे हैं. फॉर एनी काइंड ऑफ स्टील corrosion इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो corrosion का आपको स्पेशली ध्यान रखना है. यहाँ पे क्यों ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि सेक्शन कैसा है, थिन सेक्शन है, तो थिन सेक्शन है तो करोजन, स्लाइट करोजन भी इमीडिएटली आपके सेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा. सच स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ वेरी थिन प्लेट्स ऑफ लेस देन 6 mm थिकनेस. कोल्ड फॉर्म स्टील की क्योंकि सेक्शन थिन है, इसलिए लेस देन 6 mm थिकनेस के प्लेट्स यूज करते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट टू रीच इनसाइड द फेसेस फॉर पेंटिंग. अब जब आप पेंट करना चाहते हैं तो इन मेंबर्स की जो पेंटिंग है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, जबकि पेंटिंग करोजन के लिए क्या है, प्राइमरी बैरियर जो प्रोवाइड करेंगे हम, तो वो क्या होएगा, उस मेंबर की पेंटिंग. तो यहाँ पे वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है. जो री एंट्रेंट कॉर्नर्स है उसमें डस्ट और मॉइस्चर कलेक्ट हो जाएगा, और मॉइस्चर कलेक्ट हो जाएगा तो फिर से किसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, करोजन की. तो सब कुछ किससे रिलेटेड है, करोजन से रिलेटेड है, और सारी प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली किसको लीड करेंगी, करोजन को लीड करेंगी. तो हमें ये सारी चीजें ध्यान देनी है जब हम कोल्ड फॉर्म स्टील यूज कर रहे हैं. द स्ट्रक्चरल स्टील और स्ट्रिप स्टील शुड कन्फॉर्म टू IS 1079 and the design is done as per IS 801, which is from working stress method. तो ये जो ये codes structural steel और strip steel जो follow करता है या जिससे ये confirm करने चाहिए, मतलब जिसको जिसकी criteria को ये cold form steel meet करना चाहिए, वो deal करता है working stress method से. Next comes hollow steel sections. अब hollow steel sections are very popular, क्यों, क्योंकि ट्यूबुलर मेंबर्स, आप हॉलो स्टील सेक्शंस को ट्यूबुलर मेंबर्स भी बोल सकते हैं, आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन प्लेन एंड स्पेस ट्रसेस एज ट्यूब्स आर मोर एफिशिएंट इन कंप्रेशन. क्या रीजन है हॉलो स्टील स्ट्रक्चर्स को सेक्शंस को यूज करने का, कि ट्यूब्स जो है वो कंप्रेशन में ज्यादा एफिशिएंट होती हैं. वेल्डिंग हैज मेड द कनेक्शन बिटवीन ट्यूबुलर मेंबर्स विद गसेट प्लेट्स पॉसिबल and resulted in widespread use of tubular section.
अगर वेल्डिंग इंट्रोड्यूस नहीं होती तो ट्यूबुलर मेंबर्स को कनेक्ट करना एक दूसरे से हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता था। तो अब क्या है, या दूसरे मेंबर्स से कनेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता था, पर अब क्योंकि हम वेल्डिंग यूज कर सकते हैं तो गसेट प्लेट की हेल्प से आप इसको कनेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए इनका यूज क्या हो गया है, और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। अ ट्यूब इज एन एफिशिएंट सेक्शन हैविंग द सेम रेडियस ऑफ जायरेशन इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये सिंपली क्या है, ट्यूब की डेफिनेशन है कि सब डायरेक्शंस में जो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्यूब। द डायामीटर टू थिकनेस रेशियो, डायामीटर टू थिकनेस रेशियो क्या मतलब हुआ कि अगर ये आपका ट्यूब है तो ये इसका कुछ थिकनेस है इस तरीके से, तो जो ये डायामीटर की वैल्यू है और जो थिकनेस की वैल्यू है वो बोल रहे हैं कि हम उसकी रेशियो चेक करेंगे। वो रेशियो क्यों चेक करी जाती है, अगर ये रेशियो ज्यादा हुई, ज्यादा होने का मतलब है कि डायामीटर, दिस इज द डायामीटर और दिस इज द थिकनेस। तो डायामीटर और थिकनेस, अगर डायामीटर ज्यादा हुआ और थिकनेस कम हुई, मतलब ये रेशियो क्या है, बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, लोकल बकलिंग हो जाएगी मेंबर की बिफोर द इंटायर मेंबर फेल्स। तो लोकल बकलिंग हमें अवॉइड करनी है, लोकल बकलिंग इज नॉट प्रिफर्ड। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो ये रेशियो है, डायमीटर टू थिकनेस रेशियो कैसी है, स्मॉल है। तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डायमीटर के लिए आप थिकनेस क्या देंगे, ज्यादा थिकनेस देंगे ताकि ये रेशियो कम हो जाए और आप क्या प्रिवेंट कर सके, लोकल बकलिंग को प्रिवेंट कर सके। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सेक्शंस आर इजियर टू कनेक्ट। अब जब आप स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शंस की बात करते हैं तो वो कनेक्ट करना हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक फ्लैट साइड प्रोवाइड कर रहे हैं, और फ्लैट साइड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका बाकी मेंबर्स से कनेक्शन बनाना क्या हो जाता है, हमारे लिए इजी हो जाता है। सपोज चैनल सेक्शन से आप मेंबर कनेक्शन बना रहे हैं, या किसी भी सेक्शन से मेंबर बना रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जो ईज हमें ट्यूबुलर या सर्कुलर सेक्शंस में प्रोवाइडेड नहीं है। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सेक्शंस आर इजियर टू कनेक्ट, इसीलिए इनका यूज भी क्या है, वाइड स्प्रेड है। अब जो हॉलो स्टील सेक्शंस हैं उनकी दो मेजर क्लासेस होती हैं। दो मेजर क्लासेस कौन कौन सी हैं, वेल्डेड ट्यूब्स एंड सीमलेस ट्यूब्स। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ट्यूब को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक फ्लैट प्लेट ले रहे हैं, उस प्लेट को रोल कर देंगे। रोल कर देंगे जो भी आपने सेक्शन बनाना है, सर्कुलर बनाना है या हॉलो रेक्टेंगुलर बनाना है, और उसको रोल करके आप क्या करेंगे, जो उसका एज है इस एज पे वेल्डिंग कर देंगे, इस पूरे एज पे क्या कर देंगे, वेल्डिंग। अगर मैं इसको आपको इसका 3D व्यू दिखाऊं या टॉप प्लान दिखाऊं तो ये आपका ट्यूब है इस तरीके से, और इस ट्यूब पे यहाँ पे आपको ये वेल्डेड पूरी ट्यूब क्या होगी, यहाँ से इस तरीके से वेल्डेड होगी, जस्ट टू शो कि आपने क्या करा है, ये वेल्डेड ट्यूब है। सीमलेस ट्यूब में ऐसा कुछ नहीं होगा, सीमलेस ट्यूब को जब आप कास्ट करेंगे तभी आप उसको इस तरीके से कास्ट करेंगे कि वो ट्यूब फॉर्म कर दे। और उसका अगर मैं हम प्लान देखें तो प्लान में आपके पास कोई भी इस तरीके की वेल्डेड लाइन नहीं दिखाई देगी, तो इसका प्लान ऐसे रहेगा। सो हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड हॉलो स्टील सेक्शंस कैसे भी हो सकते हैं, स्टील शीट्स आर रोल्ड इन टू ट्यूब्स। आप इनको, इन शीट्स को लेंगे और इनको रोल कर देंगे ट्यूब फॉर्म करने के लिए, एंड वेल्डेड अलोंग द लेंथ, और अलोंग द लेंथ उसको क्या कर देंगे, वेल्ड कर देंगे, रिजल्टिंग इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेल्डेड जॉइंट। तो ये क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेल्डेड जॉइंट है जो फॉर्म हो गया है वेल्डेड ट्यूब्स के लिए। और यहाँ पे सीमलेस है, इसकी जब हमने कास्ट ही करा था इसको तो कास्ट ही सर्कुलर किया था, और इसलिए हमें कोई वेल्डेड जॉइंट देने की जरूरत नहीं है सीमलेस ट्यूब्स में। द ट्यूब्स में भी क्लासिफाइड एज HFW। HFW क्या हुई, हॉट फिनिश्ड वेल्डेड। HFS मीन्स हॉट फिनिश्ड सीमलेस। CDS मीन्स कोल्ड ड्रॉन सीमलेस।
इस तरीके से बहुत सारी ट्यूब्स हैं जिनके हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. द ट्यूब्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लेंथ रेंजिंग फ्रॉम 4 मीटर्स टू 7 मीटर्स. 4 से 7 मीटर के बीच में आपकी जो ट्यूब्स हैं वो मैन्युफैक्चर होंगी, उनका लेंथ 4 से 7 मीटर के बीच में रहेगा. स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज फॉर सर्कुलर ट्यूब्स इज एज पर IS 1161. जब आप सर्कुलर ट्यूब्स की बात करेंगे तो हम कौन से आईएस कोड को कन्फर्म करना चाहिए? IS 1161. सो उसका ग्रेड क्या है? YST 210. अल्टीमेट स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेस है FU 330 और यील्ड स्ट्रेस है 210. तो आप देख सकते हैं YST 210, ये 210 आपको क्या दे रहा है? FY या यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू दे रहा है. सिमिलरली YST 440 410 इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है और यील्ड स्ट्रेस है 240. YST 310 अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस 450 है और यील्ड स्ट्रेस 310 है. सो आई होप आपको कोल्ड फॉर्म सेक्शंस एंड हॉलो स्टील सेक्शंस समझ आए होंगे. दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.